अब मैं संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूं कि हर मनुष्य इस पृथ्वी पर बेहोशी का जीवन जी रहा है। बेहोशी में जीवन जीने का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस जीवन में जो कुछ आप करते हैं उसके करने वाले आप नहीं हैं। बेहोशी में जीवन जीने का अर्थ है कि आपसे सब कुछ करा लिया जाता है। आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं जीवन में, लेकिन आप बेहोशी में कर रहे हैं सारी चीजें। इस बात को समझने के लिए थोड़ा गौर से देखिए। आप कहते हैं कि मैंने कल क्रोध किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में आपने क्रोध किया या क्रोध हो गया? अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रोध तुमसे हो जाता है, और क्रोध तुम तब करते हो जब तुम होते ही नहीं हो, जब तुम होश में नहीं होते हो, तुम बेहोशी की स्थिति में होते हो, तब क्रोध तुम्हारे भीतर से सक्रिय हो जाता है और जाने कितना बड़ा तांडव कर देता है। ना तो आपने कभी क्रोध किया और क्रोध हो गया, ना आपने कभी घृणा की और घृणा हो गई, ना आपने कभी प्रेम किया, प्रेम भी हो गया। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम को जाना है, प्रेम के अनुभव से गुजरे हैं, उनसे पूछिए, वो कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। यानी कुछ सामने आया, कोई सुंदर युवती आई, उसको आपने देखा, उस सुंदर युवती ने आपकी कोई बटन दबा दी और आपने अपना नियंत्रण खो दिया, और कहते हैं कि आप प्रेम में पड़ गए, यू फॉल इन लव। तुम प्रेम नहीं करते। अगर तुम प्रेम करते तो मैं किसी एक आदमी को आपके पास बैठा दूं और कहूं इससे प्रेम करो। अगर तुम प्रेम कर सकते हो तो तुम्हें उस आदमी के साथ प्रेम करने में सक्षम हो जाना चाहिए, लेकिन तुम कहोगे कैसे प्रेम करूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई अपनी पसंद का आदमी आपके पास बैठा दूं, कहूं प्रेम करो इससे, आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि प्रेम जब भीतर से नहीं आ रहा है कैसे करूं। यानी प्रेम आप करते नहीं हो जाता, घृणा आप करते नहीं। कोई व्यक्ति आपके पास बैठा दूं और कहूं इससे घृणा करो, कर पाओगे? किसी आदमी को आपके पास बैठा दूं और कहूं इस पे क्रोध करो, तो क्रोध की एक्टिंग भले ही कर लो, लेकिन क्रोध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कारण, आपने कभी गौर से देखा? आप इतना बेहोशी में हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी जिंदगी की, कुछ भी आप नहीं करते हो, आप उनके करने वाले नहीं हो। क्रोध करने वाले आप नहीं हो, घृणा करने वाले आप नहीं हो, प्रेम करने वाले आप नहीं हो, ईर्ष्या करने वाले आप नहीं हो। सेक्स को आप जगाते हैं? नहीं, वो भी है, काम वासना भी आपको दबोच लेती है। जब दबोच लेती है तो आप उसके शिकार हो जाते हो, लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि मैंने काम वासना को पैदा किया। ये सब आपको दबोच लेते हैं, आप उनके शिकार हो जाते हैं, तो आप कहाँ होशपूर्ण हैं? होशपूर्ण तो वो है जो कहे कि अब मैं कर रहा हूं और मैं चाहूंगा तो करूंगा, चाहूंगा तो नहीं करूंगा। अगर आप चाहें कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तब क्रोध ना हो, तो इसका मतलब क्रोध के करने वाले आप हैं। लेकिन चाह कर कभी कोई क्रोध नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम करने वाले नहीं हो। ये सब वृत्तियां हैं जो आपको पकड़ती हैं और आप उनका शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात, क्या आपने कभी सोचा कि ये क्रोध क्यों होता है, ये लोभ क्यों होता है, ये ईर्ष्या क्यों होती है, ये घृणा क्यों होती है, अहंकार क्यों होता है, ये सेक्स क्यों होता है? कभी सोचा ये क्यों होता है? इसका भी आपको कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई इसकी जानकारी नहीं है। बस इतना ही जानते हैं कि ये हो जाता है और आपका पूरा जीवन यांत्रिक। लेकिन हम एहसास करने लगते हैं कि हम करने वाले हैं, और ये भी एहसास करते हैं कि हमने जो किया सही किया, जबकि दोनों बातें सरासर झूठ है। ना तो आप क्रोध के करने वाले हैं, ना जो आप करते हैं वो ठीक है।
लेकिन हर आदमी यही मानता है, अरे भाई मैंने क्रोध किया लेकिन मैंने ठीक किया, और कोई विकल्प नहीं था, मैं प्रेम में पड़ गया, मैंने ठीक किया और कोई रास्ता नहीं था। ये दो बातें आप मानकर चलते हैं और ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा आपका जीवन झूठ पर आधारित है। आपके जीवन की एक यांत्रिक मैकेनिकल धारा है। आप घर से निकलते हैं, दफ्तर पहुंच जाते हैं, यंत्रवत आपके विचार यंत्रवत चल रहे हैं, आपके भाव यंत्रवत सक्रिय होते हैं, आपके कर्म यंत्रवत सक्रिय होते हैं। कोई दूसरा आदमी बटन दबा देता है, आप सक्रिय हो जाते हो, और ये सब आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्म आपके अचेतन मन से निकल रहे हैं, वही कराता है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो सेक्स हो, ये आपके अचेतन मन से सारे विचार, सारे भाव, सारे कृत्य निकलते और आप उनका शिकार हो जाते, क्योंकि अचेतन मन से आपके चेतन मन का कोई संपर्क नहीं है। इस यांत्रिकता को तोड़ दें आप, यानी आपके जीवन में जो मैकेनिकल यांत्रिक व्यवस्था है जिसके कारण आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कृत्य संपादित हो रहे हैं, अगर इस यांत्रिकता को आप खत्म कर दें तब आप अपने जीवन के स्वामी, अपने जीवन के मालिक हो जाएंगे। इसीलिए हमने भारतवर्ष के संबुद्ध संतों को स्वामी की संज्ञा दी कि वे वही काम करते हैं जो वे करना चाहते। भगवान बुद्ध को हमने संबुद्ध कहा, क्यों कहा? क्योंकि भगवान बुद्ध अपने मालिक हैं, वो चाहेंगे तब क्रोध करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप उनके बटन दबा के उनके भीतर क्रोध नहीं पैदा कर सकते हो।